आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमको समझना होगा, पहले कोई भी काम हमारे सामने आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम सोचते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं। मान लो आज बात करें 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं शायद हम सोचे 1 करोड़ पर मंथ पॉसिबल नहीं। चलो अगर मैं कुछ बोल भी दूं, यस देखो फला फला आदमी कमा रहा है, ओला कैब वाला कमा रहा है, फेसबुक वाला कमा रहा है, व्हाट्सएप वाला कमा रहा है, तब आप बोले ओके चलो मान लिया कमाया जा सकता है, लेकिन मैं इसके लायक, मेरे पास वो स्किल नहीं है जो ओला वाले के पास है, फेसबुक के ऑनर के पास में मेरे पास नहीं है वो स्किल। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो हम आपको ट्रेनिंग भी दे देते हैं, चलो हम आप बोलते हैं कि हम उन लोगों से आपको ट्रेनिंग करवा देंगे, तो नजर पर नजरिया, नजर जो हम देखते हैं इट्स कॉल्ड आई साइट, नजरिया मतलब माइंड साइट। अभी तक आपने आई साइट सुना, माइंड साइट नहीं सुना, माइंड की भी साइट होती है, दैट इज कॉल्ड नजरिया। दूसरा एग्जांपल कि कुछ जनरलाइज्ड बिलीफ बन जाते हैं, जब आपके मम्मी या पापा ने आपको खाने के टेबल पर कहा होगा जाओ बेटा रसोई से नमक लेकर आ जाओ, और आप उस समय टीवी देख रहे थे, आपके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और आपने बड़े अनजाने अनमने मन से कहा कि मुझे रसोई में नमक नहीं मिलेगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, फिर आपके मम्मी और पापा ने थोड़ा डांटते हुए कहा जाओ मिल जाएगा, और आप पूरे अनमने मन से रसोई में गए और आपने नमक का डब्बा ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो नमक का डब्बा आपको नहीं मिला। फिर आप वहीं से रसोई से आवाज लगाते हैं अपने मम्मी को कि मम्मी मैंने कहा था कि मुझे नहीं मिलेगा और वही हुआ, और मम्मी आती है और मम्मी आपको वहीं पर वो नमक का डब्बा दिखाती है, यानी कि वो नमक का डब्बा आपकी नजरों के सामने होता है लेकिन आपका माइंड का फ्रेम उसको उस फ्रेम में से डिलीट कर देता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप कमरे से रसोई की तरफ जा रहे थे आपने अपने माइंड को एक कमांड दी थी कि मुझे वो डब्बा नहीं मिलेगा, और डब्बे के नहीं मिलने में ही आपकी जीत थी। जब आपके माइंड ने ये समझ लिया और आपको जिताने के लिए आपके माइंड ने एक ऐसा गेम खेला कि जब आप किचन में गए आपके विजुअल फ्रेम में से वो एक नमक का डब्बा गायब हो गया। उसी समय का आपका दूसरा बिलीफ भी था कि जैसे ही आपकी मम्मी आएगी तो आपको वो डब्बा मिल जाएगा, और आपका वो बिलीफ भी पूर्ण तरह ठीक हुआ। जैसे ही मम्मी आती है वो नमक का डब्बा वहीं पर होता है, उस समय आपका माइंड मान चुका होता है कि यस मम्मी के आने से ही वो डब्बा मिलेगा, और वो इमीडिएटली वो डब्बा वहां पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो सोचिए इस छोटी सी घटना से कि कैसे एक नमक का डब्बे वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, जब हमारा माइंड हमारे साथ इस प्रकार की गेम खेल सकता है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारे बिलीफ होते हैं, उसके अनुसार ही हमारा देखने का नजरिया होता है और वही चीजें हमें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। इनकी थॉट्स का इनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आप ऐसे खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को टाइट करेंगे ऐसे। ये इनकी फिजिकल पावर है जो मैं चेक करूंगा। आप टाइट करेंगे, हाथ बंद कर लीजिए, मैं नीचे गिराऊंगा, आपको रोकना है। टाइट करिए, पूरा टाइट, टाइट पूरा, और जोर लगाइए, ये ले, ये टाइट है, गिरा नहीं पा रहा है। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ। अभी आपको क्या करना है, दो बार का एक्सपेरिमेंट करूंगा आपके ऊपर। एक बार आपको बोलना है माय नेम इज शेखर, और ऐसे रखना है टाइट। मैं फिर वापस गिराऊंगा और देखते हैं आपके साथ क्या होगा। माय नेम इज शेखर, बोलते जाइए। माय नेम इज शेखर, माय नेम इज शेखर। सर आपका नाम क्या है? बीपीएल। अब आप बोलिए माय नेम इज बीपीएल, और वापस वैसा ही करिए और बोलते जाइए माय नेम इज बीपीएल, बोलते जाइए माय नेम इज, बोलिए बोलिए।